हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम लेकर आए हैं जो आपका आज एग्जाम हुआ फार्माकोग्नोसी के उसके आंसर क्विज, जो आज डेट है 26/8/2021। आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन उसी टाइप के आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट टिश्यू कल्चर। आप देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने जिब्रेलिंस लगाया है, कुछ लोगों ने ऑक्जिंस लगाया है, लेकिन यहाँ पे ऑक्जिंस आंसर इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर पूछ रहा है, ना कि प्लांट। अगर वो प्लांट में पूछता तो वहाँ पर आपको जिब्रेलिंस लगाना था, लेकिन यहाँ पर यह प्लांट टिश्यू कल्चर में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑक्जिंस लगाना ही सबसे सही था। और यहां पर ऑक्सीजन से ही आपका एक राइट आंसर होगा, तो यहां पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अश्वा एंड अरिस्टा, ये आपका क्या है, आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म। जब मैंने आपको एमसीक्यू बता रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि आयुर्वेदिक के जितने भी डोसेज फॉर्म होंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को ये आसानी से हो गया होगा। तो उसमें दिया हुआ है इन अश्वा एंड अरिस्टा व्हिच टेस्ट आर परफॉर्म, कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो उसमें आपके कई सारे जैसे वेट गेन वगैरह ऑप्शन थे, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन जो एल्कोहलिक कंटेंट था वो ऑप्शन आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड टू बी टेराटोजेनिक ड्रग। मतलब आपको ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आपको टेराटोजेनिक ड्रग्स को ढूंढना था। तो उसमें जो ऑप्शन क्यूनिन था, ठीक है, तो क्यूनिन आपका एक टेराटोजेनिक ड्रग्स था, जो कि हमने फार्माकोग्नोसी के फोर्थ यूनिट में फुली एक्सप्लेन किया हुआ था टेराटोजेनिक ड्रग्स होते क्या हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट। मतलब आपसे पूछा गया था कि उसमें से कौन सा एक ऐसा एजेंट है जो कि फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है। अब कुछ लोगों को वहाँ पर यह कन्फ्यूजन है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज भी ऑप्शन सही था एंड यूरियाकाइनेज भी एंड यूरिनेज भी ऑप्शन सही था, तो वहाँ पर सब लोगों को कन्फ्यूज। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, सीधा जो मेन हो, मतलब जो मेन होता है या जो हायर कैटेगरी का होता है उसको हम वहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए आपका जो स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑप्शन वहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता। उसके बाद उसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी गार्बलिंग। मतलब आप गार्बलिंग से क्या समझते हैं, जो कि हमने सेकेंड यूनिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इसका जो मतलब होता है वो किसी भी आपने कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें से जो भी रॉ मटेरियल होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, अनवांटेड मटेरियल को बाहर कर देना इज कॉल्ड गार्बलिंग, ठीक है। तो गार्बलिंग का मतलब क्या होता है, रिमूविंग ऑफ द अनवांटेड मैटर फ्रॉम द हार्वेस्टेड ड्रग। तो ये ऑप्शन वहाँ पर आपका बिल्कुल सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉटन इज, मतलब जो कॉटन है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। तो वहाँ पर आपको सेल्यूलोज की वहाँ पर दो स्पेलिंग थे, एक सेल्यूलाज लिखा था एक सेल्यूलोज लिखा था, तो आपको वहाँ पर सेल्यूलोज ऑप्शन पर जिन्होंने टिक किया होगा उनका आंसर सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटो एल्कोलाइड इज, मतलब आपको प्रोटो एल्कोलाइड, सीडो एल्कोलाइड, एल्कोलाइड मैंने आपको समझाया था तो क्या होते हैं। तो वहां पर आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो एफिड्रिन ऑप्शन वहां पे सही होगा। अगर इससे कोई दूसरा ऑप्शन आता है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो आंसर की मैंने ढूंढा है अपनी नोट से, अपनी बुक से ढूंढा है। अगर आपको कुछ दूसरा ऑप्शन मिलता है तो प्लीज कमेंट में बॉक्स कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम उसको पिन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सोमा क्लोनल वेरिएशन, मतलब जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है उसको क्या मतलब क्या है। इसमें जो ऑप्शन आपका नेचुरल वेरिएशन इन द प्लांट ऑप्शन था, ये आपका सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए फ्लेवोनोइन इज, मतलब फ्लेवोनोइन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप था। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब लोगों को कम समझ में कि फ्लेवोनोइन क्या है, तो उसमें क्या था आपका एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पर आपको वन कीटो ग्रुप प्रेजेंट लिखाना था, ऑप्शन राइट क्लिक करना था। अब जिसने किया होगा उसका तो सही है, जिसने नहीं किया होगा उसका तो गलत हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एडिबल वैक्सीन वाज गिवन बाय, मतलब जो एडिबल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट था उस किसके द्वारा दिया गया था। तो आपके वहाँ पे कई सारे हिप्पोक्रेटिस करके, शायद हमको पूरा आंसर नहीं पता क्योंकि हमको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिला है। तो वहाँ पर आपको ये पूछा गया था एडिबल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो दिया था आर्टिजन ने, ठीक है। तो आर्टिजन आपका एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एडिबल वैक्सीन को ऑथोराइज किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाइल्यूशन इन डेसिमल इसके डिनोटेड बाय, तो उसको आप एक्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लाइकोपोडियम स्पोर कंटेन, कितने स्पोर कंटेन करता है, तो टोटली वो 94,000 स्पोर कंटेन करता था। तो ये सारे आपके आंसर के हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पैलासाइड रेशियो इज लेफ्ट कॉन्स्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही सबको कन्फ्यूज किया हुआ था, बहुत लोगों ने हमारे पास भी मैसेज किया, तो हमने इसका सही आंसर यही बताया कि एवरेज नंबर ऑफ द पैलासाइड्स है बीनीथ वन एपिडर्म, मिस यही इसका आंसर सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्कुंग एंड मिलर गिव थ्योरी या हाइपोथेसिस करके पूछा था उसमें, तो स्कुंग एंड मिलर ने किस टाइप की थ्योरी दी थी, तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था किसका, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गन फॉर्मेशन। मतलब प्लांट में ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हार्मोन का कंट्रोल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन है
तो ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के फॉर्मेशन के लिए। अगर वो वहाँ पे कंट्रोल ना करे ऑक्सीजन को तो वहाँ पे क्या जाएगा, रूट का इतना ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा कि मतलब आपको पूरी पृथ्वी पर रूट ही रूट दिखाई, मतलब जड़ ही जड़ दिखाई देगी। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था स्कूंग एंड मिलर ने। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंथ्रैक्विनोन ग्लाइकोसाइड टेस्ट। इसमें बहुत लोगों ने क्लियर क्रैनी टेस्ट लगाया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड लिखा होता तो यहाँ पर क्लियर क्रैनी टेस्ट सही था, लेकिन यहाँ पर आपको एंथ्रैक्विनोन ग्लाइकोसाइड का टेस्ट लिखना था, इसलिए आपका यहाँ पे बोरोन ट्रिगर्स टेस्ट ही आपका ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एग्जांपल ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड ड्राइव, तो वहाँ पर आपको एलोय जेल ऑप्शन टिक करना था। क्यों? क्योंकि एलोय जेल, एलोय को आप कैसे निकालते हैं, जब एलोवेरा को आप उसमें चीरा लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसमें कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट करते हैं या फिजिकल मतलब इवोल्यूशन करते हैं या फिजिकल कुछ भी वहाँ पर अटैक करते हैं या चीरा लगाते हैं, तो उसको जब करके किसी भी प्लांट में उसका मटेरियल प्राप्त किया जाता है तो उसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथाइलिन कॉज, मतलब एथाइलिन क्या कॉज करता है, तो वो फ्रूट को मतलब जो फ्रूट होते हैं आपको उसको पकने के लिए, तो फ्रूट रिपनिंग ऑप्शन आपका वहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वहाँ पर सिनुलेरिन ए मायरिन एजेंट यूज है, मतलब जो सिनुलेरिन एक मायरिन एजेंट था उसका यूज आप क्यों करते थे, किसके लिए करते थे, उसका यूज करते थे एंटी कैंसर के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द अगार, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो जो अगार का बायोलॉजिकल सोर्स था वो जेलिडियम एमानसी था, यही ऑप्शन वहाँ पर सही था, और यही एक जेलिडियम एमानसी नाम का वहाँ पर एक ऑप्शन भी था शायद, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जेलिट्रियस विद द जेलिडियम एमानसी ये वाला ऑप्शन आपका वहाँ पर बिल्कुल सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, उस ऑप्शन में से आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट भी दिया गया था शायद, उसके बाद फैट्स भी दिया गया था, तो उसमें से आपको पूछा गया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, तो जो एल्कोलाइड होते हैं, जैसे एल्कोलाइड होता है, फ्लेवोनाइड होता है, टैनिन्स होता है, ठीक है, ये सब आपके क्या है, एल्कोलाइड है, तो ये क्या हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो यहाँ पर आपका एल्कोलाइड ऑप्शन सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट सेल टू प्रोड्यूस इंटायर प्लांट, तो इसका ऑप्शन जो आपका था वो टोटी पोटेंशियल ऑप्शन बिल्कुल राइट था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लाइजिनस या रेजिनस ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम, मतलब जो रेजिनस ड्रग होते हैं जिसमें रेजिन्स होते हैं उसको कहाँ से आप ऑप्टेन करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आपका था वो वोलाटाइल ऑयल जो ऑप्शन आपका था वो बिल्कुल सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टाइम ऑफ एक सीड टू कंजर्वेशन ऑफ द सीड इन वीक कंसिस्टेंट मेथड, ये सारे मेथड मैंने आपको फार्माकोग्नोसी के थर्ड यूनिट में एक सीटू इन सीटू कंजर्वेशन प्लांट कंजर्वेशन के अंतर्गत पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एक सीटू का ड्यूरेशन होता है वो 25 से 30 साल के बीच में होता है, लेकिन 25 से 30 साल के बीच में इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया था, 50 साल दिया गया तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए आपको वहाँ पे 20 से 25 ऑप्शन ही सिलेक्ट करना था। तो जिन्होंने लोगों ने 20 से 25 ऑप्शन सिलेक्ट किया था या साल सिलेक्ट किया था तो उनका ये बिल्कुल सही होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोटिक इनहिबिटर फॉर द पॉलीपोलाइडी, मतलब जो पॉलीपोलाइडी इनहिबिटर होते हैं जो माइटोटिक प्रक्रिया को कम कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं, उस एजेंट का आपको नाम बताना चाहिए था, जो कॉल्चिसिन है, कॉल्चिसिन आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिगमेंट ऑफ दी आर आई प्लाज्मिट ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम डाइजोजिनियस, तो इसका जो फंक्शन था वो क्या था, डीएनए को ट्रांसफरेज करना या ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, तो यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रांसफर ऑफ द डीएनए ऑप्शन लगाया होगा उनका बिल्कुल आंसर सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एस वैल्यू, मतलब जो एस वैल्यू है वो क्या होती है, तो जो एस वैल्यू होती है वो ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द ड्रग, मतलब उस ड्रग में कितने मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एट ड्रग व्हिच स्वीट टेस्ट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग, अब देखिए यहाँ पर बहुत लोगों ने वता लगाया, बहुत लोगों ने पिता लगाया, लेकिन जो इसका राइट आंसर था वो कफा। मैंने बहुत लोगों को बताया तो वो बोल रहे हैं कि सर कफा कैसे हो सकता है, इसमें वता पिता कहीं से आंसर उनको मिला होगा, तो वता पिता उन्होंने काफ़ी आर्गुमेंट किया, तो हमने यही बताया उनको कि केवल आप कफा लगाइए, अगर आप कफा लगाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ये आप हमारे ऊपर बिलीव करके लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था कफा, जिन लोगों ने हमारी बात मान के कफा लगाया होगा वो डेफिनेटली सही होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दी एंशियंट चाइनीज सिस्टम इंपीरियल ड्रग, मतलब जो एम्पायर ड्रग होते हैं, जैसे कि यहां से आप समझिए कि इस ड्रग को क्यों एम्पायर ड्रग कहा गया, जैसे एम्पायर का मतलब क्या होता है, साम्राज्य, सम्राट, ठीक है, तो सम्राट मतलब कब, राजा कब का, जब पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा संकट, जैसे समय तालिबान पे, तो तालिबान को एक अच्छे राजा की जरूरत है कि उसको मतलब अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद करा सके, तो एम्पायर जो ड्रग होती थी वो जब बहुत ही क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाते थे तो उसको ट्रीट करने के लिए आप एनशियंट चाइनीज सिस्टम में इसका यूज करते थे, तो इसका ऑप्शन जो यूज टू ट्रीट द क्रोनिक प्रॉब्लम, ये ऑप्शन
वहाँ पे का बिल्कुल सही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वाटर इंसोल्युबल कंपाउंड बेसोरिन इज द पार्ट ऑफ द व्हिच कंपाउंड, इस टाइप के आपके क्वेश्चन थे। तो वहाँ पर आपका ट्रगाकंथ मैंने आपको बताया था, बेसोरिन वेपोपरिन के बारे में बताया था आपको लेक्चर वीडियो में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। अब यहाँ कुछ लोगों ने सर्च किया, गूगल पर सर्च किया या कहाँ से सर्च किया, हमसे बोल रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं जिंक सही होगा, लेकिन जो जिंक कब सही होता है, जब यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर फास्फोरस ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एलएसडी, मतलब जो एलएसडी है आपका उसके जो प्रीकर्सर सिंथेसिस है वो क्या होगा, मतलब शुरुआती प्रोडक्ट क्या था, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन एर्गट सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटिंक्ट मेडिसिनल प्लांट, मतलब आपको कुछ ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें से आपको ये सेलेक्ट करना था कि जो एक्सटिंक्ट मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनका आपको सर्च करना था। तो वहाँ पर आपका डायोस्कोरिया डेल्टोइडा, वहाँ पर आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन का था, यूज ऑफ द चावल मोगरा ऑयल, मतलब जो चावल मोगरा ऑयल होता है उसका यूज आप किस लिए करते हैं, तो जो उसका यूज किया जाता था वो टीबी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, तो इसीलिए इसको एंटी माइक्रोबैक्टीरियल भी कहते हैं या ट्यूबरक्लोसिस में, ये हमने एमसीक्यू में भी आपको बताया हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल्चर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब उस टिश्यू कल्चर का नाम बताइए जो कि लॉन्गर टाइम के लिए होता है, तो उस टिश्यू कल्चर का नाम है सस्पेंशन कल्चर। कुछ लोगों ने कैलस कल्चर भी लगाया, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर यहाँ पर कैलस कल्चर होना चाहिए, तो हमने उसको उनको बताया कि यहाँ पर केवल सस्पेंशन कल्चर, उनको हमने एक्सप्लेन करके भी बता दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन चाइनीज सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, मतलब चाइनीज सिस्टम ऑफ द मेडिसिन में फूड एनर्जी आर ड्राइव, मतलब जो फूड की एनर्जी आप कैसे ड्राइव होते, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो वहाँ पर जो मेन ऑप्शन निकल आया, मतलब हमने एक पीएचडी के टीचर से बात की तो उन्होंने वहाँ पे हमको ऑर्डर आंसर इसका सही बताया, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ही यहाँ पे लगाना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एनासिल्टा फार्माकोग्निस्टा इज रिटन बाय, मतलब जो एनासिल्टा फार्माकोग्निस्टा या फार्माकोग्निस्टा जो बुक थी उसको किसने रिटन किया था, तो वहाँ पर आपका बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, वहाँ पर जो आपका मेन आंसर था वो एनोथियस सिडलर ने ही इसको लिखा था, तो यहाँ पर एनोनिस सिडलर ही आपका ऑप्शन सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एनासिल्टा फार्माकोग्निस्टा, ये तो आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिनुलेरिन यूज, मतलब जो सिनुलेरिन होता था उसका यूज क्या था, एंटी कैंसर की तरह आप उसको यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, वेजिटेटिव प्रोपागेशन डन बाय, मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता था उसको आप किसके द्वारा किया जाता था, तो उसको हम रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते थे किसी भी प्लांट के कल्टिवेशन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द एनोसाइक्लिक स्टोमेटा, मतलब जो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा उसका क्या एग्जाम्पल था, तो वहाँ पर आपका जो 3 सब्सिडाइरी सेल्स आर प्लेस्ड बिसाइड 1 गर्ल्ड सेल, ये आपका ऑप्शन वहाँ पे सही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अजार इज मोस्ट सुटेबल सॉलिडिफाइंग एजेंट, इसका आपको रीजन बता रहा था, तो इसका ये रीजन था, ये कम्प्लीटली नेचुरल होता है, और बहुत लोगों ने वहाँ पे बताया, पूछा, आर्गूमेंट किया कि सर ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाइड हो जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ये नेचुरल होता है, इसका कोई भी उस पर साइड इफेक्ट या डिस इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वोलेटाइल आयल्स आर जनरली, मतलब जो वोलेटाइल आयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो जो वोलेटाइल होते हैं हमारे मोनोटर्पिन्स होते हैं, मतलब मोनोटर्पिन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, सिक्योटेरपिन, तो मैं ये दोनों टाइप के होते हैं, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल वहाँ पे सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन का था, एल्कलाइटिंग एजेंट यूज है जी, मतलब एल्कलाइटिंग एजेंट का यूज किस तरह से किया जाता है, तो म्यूटाजेंस की तरह से उसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एडिबल वैक्सीन हैव कैपेसिटी टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ द, तो वहाँ पर एंटीबॉडीज, क्योंकि मैंने जब आपको एडिबल वैक्सीन के बारे में बताया था तो आपको ये बताया था कि प्लांट को हम किसी वायरस या किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म से इफेक्ट करते थे, इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से उसके डीएनए से कुछ ऐसा मटेरियल निकलने लगता है कि उस वायरस या उस बैक्टीरिया या उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने लगता है, तो उसको हम निकाल लेते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, एंटीबॉडी के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का, WHO गाइडलाइन सल्फोना टाइफीवा का करके एक क्वेश्चन था आपका, तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हुए, तो यहाँ पर आपका दो ऑप्शन सही था, एक 10 ग्राम वाला, एक 100 ग्राम वाला, लेकिन मेनली जो लिया जाता है वो 10 ग्राम वाला ऑप्शन ही आपका सही था। अगर इसका आपका कुछ दूसरा आंसर मिला हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्ले सॉइल कंटेंट, मतलब जो क्ले सॉइल होता है वो फाइन सॉलिड कितने कंटेंट का था, मोर देन 20% आपका वहाँ पे सही था। उसके बाद एडमिक्सर या टाइप ऑफ द एडल्ट्रेशन, मतलब जो एडमिक्सर होता है वो किस टाइप का एडल्ट्रेशन होता है, ये एक एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट यूनिट में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स लगाया होगा उनका सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है पेंसिलिन एम सिफालोस्प्रिन आर, मतलब ये किस टाइप के थे एलर्जेंस थे, तो ये इंजेक्टेंट, क्योंकि पेंसिलिन का जो टीका होता है वो इंजेक्ट करके लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंजेक्टेंट एलर्जेंस ही आपका ऑप्शन सही था। तो यहाँ पर मुझको टोटल 46 क्वेश्चन मिले थे जिसका मैंने आपको आंसर क्यों दे दिया, 4 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले इसलिए उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर आपको उस 4 क्वेश्चन पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।